मोदी सरकार नूं इस गल की चेतावनी दिंदे आ कि वह किसी भी तरीके व्यापारियों नूं जां आढ़तियों नूं तंग करके ये ना समझे कि वह संयुक्त मोर्चे का साथ छड़ देंगे। अनिश्चित काल मंडियां भी बंद कर दी पईआं तां असीं जिहड़ा प्रोक्योरमेंट का कणक के सीजन की जिहड़ी आ खरीदो फरोख्त का बाईकाट भी करांगे। इन्हां ने 14-12% नवीं की 4-2% टोटा करता ताकि कणक खरीदे ना हो। पेमेंट डायरैक्ट टू फार्मर करने लई सीधी पेमेंट जिमीदारां दे खाते पाउण दा एक नवां रुझान किया जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। जे किसानां नूं भी तंग कर रहे, आढ़तियां नूं भी तंग कर रहे, मजदूरां नूं भी तंग कर रहे। मैं समझदा काले कानून जिहड़े आ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। इस मौके मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेश भारतवाज ने दसिया कि बाघा पुराणा च इस जत्थे दे जाण दा मुख मकसद है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध करना है, क्योंकि किसानों दीयां मंगां जायज हन जिन्हां दे नाल सरेआम धक्का कीता जा रहा है, जिसनों किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं करनगे। मोदी सरकार ने जिहड़े काले कानून बनाए हन उन्हां दे संबंध विच साडे जिहड़े संयुक्त मोर्चे के लीडर साहबान और उन्होंने सारे साथी दिल्ली के बार्डर घेर के बैठे हुए हैं, जिते साड़िया माता बजुर्ग भैन बच्चे और हर तरह का जो व्यापारिक तबका आ सारे का उन्होंने समर्थन आ। समर्थन इस करके क्योंकि जेडे काले कानून आए हैं बिल्कुल गलत है और साढ़े किसान वीर जिहड़ियां मंगा बिल्कुल जायज है और एक कोऑपरेट घराणिया मोदी सरकार ज जी भाजपा सरकार है उन्होंने फायदा पहुँचाने लिए मंडीकरण सिस्टम जो कि पंजाब का बेहतरीन सिस्टम है हिंदुस्तान का उसको खत्म करने लिए और मंडी के बीच जोड़ा है फसलों तबाह करने के लिए कि उन्होंने आने पौने दामा के उपर इन्होंने कोऑपरेट घराणियों दे के उन्होंने जोड़ा अमीर तो होर अमीर बनाने जोड़े ने कानून बनाए या काले उन्होंने कानूनों चोरी रास्ते कामयाब करने के लिए इन्होंने पिछले दिन कणक की खरीद जो कि बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली आ उसके विच इन्होंने यहोजे नॉर्म फिट कर दिए जिस तरह के इन्होंने 14-12% नवीं की 4-2% टोटा करता ताकि कणक खरीदे ना हो। सारा जिहड़ा इन्हां दा करन दा मकसद इक्को ही आ भई जिहड़ी कणक मंडियां दे विच रुले जदों रुलेगी कोई खरीदेगा नहीं तो यह जिहड़े कोऑपरेट घराणे आ यह गवर्नमेंट ना खरीदन करके सारा कुछ कर रही है। कोऑपरेट घराणियां नूं वह जिहड़ी कणक घट रेटां दे उपर लैण देण लई असीं मजबूर होवांगे, असीं इह कदे वी होण नहीं देवांगे। इहदे नाल नाल इन्हां ने एक आढ़तियां ते किसानां दे रिश्ते दे विच दराड़ पाउण लई जो कि सदियां पुराना रिश्ता चलिया आ रहा असीं 35-40 साल तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे नाल वरतदे आ रहे हैं। उहदे विच इन्हां ने पेमेंट डायरैक्ट टू फार्मर करन लई सीधी पेमेंट जिमीदारां दे खाते पाउण दा एक नवां रुझान किया जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। जिहदे विच जमाबंदियां फरदां मंगियां जा रही हैं क्योंकि साडे पंजाब दे किसान बल्कि हिंदुस्तान की पंजाब दा किसान बेसिकली जिहड़ा हैगा आ उह बहुत सारा बाहर गया होया जां साडे किसान भीर जिहड़े पढ़े लिखे आ वो नौकरी पेशा करते हैं क्योंकि पंजाब दे विच जमीना किसानों को बहुत घट है। जो ज्वाइंटली की जाती तो उन्होंने 20-30 खेत बनते लेकिन जो डिवाइड किया जाता 2-3 खेत ही रह जाते हैं। उन्होंने वो अपने जो जमीन हले भुल दतिया है जो पेमेंट सीधी उन्होंने जो जमीन के मालिक है उन्होंने खाते में पै जाएगी तो काश्तकार जोड़ा अपनी खेती किस तरह करेगा क्योंकि इन्हों का बहुत सारा सिस्टम हों कई बार हाला एडवांस भी देंगे कई बार बाद भी देंगे फिर फसलों की खरीदो फरोखत करने के लिए जोड़ा सारा इन्हों अपना आढ़ती को खाद दवाई वेले वेले पैसा भी देना लेना पैंता है वो किस तरह जोड़ा जिमीदार जोड़ा बाही कर रहा जोड़ा काश्तकार है वो अपना सिस्टम चलाएगा जो सीधी जी पेमेंट है जमीन वाले खाते क्योंकि 40% जी लोग इतने साढ़े खेती करते 60% लोगों ने जी हैगी जमीन अपनी हाले भुलते दिती हुई है। मतलब मेरे कहने का मकसद है सारे जोड़े चीज़ा है ये पिछे उन्होंने एको ही मंशा आ कि वह काले कानूनों किसी ना किसी तरीके लागू कराया जाए। ये किसानों भी तंग कर रहे आढ़तियों भी तंग कर रहे मजदूरों भी तंग कर रहे। मैं समझदा काले कानून जिहड़े आ पंजाब ने पंजाबीयत नूं तबाह कर देंगे। सो किसानों की इस जायज मंग नूं मानते हुए असी सारे मजदूर किसान आढ़तिया वर्ग व्यापारी वर्ग जिहड़ा आ संयुक्त मोर्चे के बैनर थले टाइम टू टाइम जो भी उन्होंने कोई सद्दा आता है असी उहदे लई हमेशा उन्होंने नाल है और मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के उन्होंने नाल आ हमेशा नाल रहांगे और मोदी सरकार नूं इस गल की चेतावनी दिंदे आ कि वह किसी भी तरीके व्यापारियों जां आढ़तियों नूं तंग करके ये ना समझे कि वह संयुक्त मोर्चे का साथ छड़ देंगे जां उन्हां दे नाल नहीं खड़े होणगे। असी हमेशा
हर तरीके का तरफ है, चाहे साडा जो मर्जी है नुकसान कर देन, असी संयुक्त मोर्चे के नाल बिल्कुल है और रवांगे। और अज साडा जो फेडरेशन ऑफ आर्टिस्ट पंजाब ने इस कड़ी के एक महापंचायत बाघा पुराणा विखे बुलाई आ, उहदे विच साडा सारा जिहड़ा जथा बसां राहीं कारां राहीं उत्थे जा रहा, पूरे पंजाब के आड़ती अज उत्थे मजदूर मुनीम भाईचारा साडे कट्ठे होणगे। और इस कट्ठे होण दा वी एक मेन कारण इही आ वी एक तां सुत्ती होई मोदी सरकार नूं जगाउण दे लई वी इह काले कानून वापस लाओ, दूसरा जिहड़े गलत कानून बना के चाहे वह कणक का म्यार है चाहे वह सीधी पेमेंट की गल है, इन्हां चीज़ां नूं वापस कराउण लई उहदे नाल नाल एक एफ सी आई जिहड़ी आ वह आड़तियां का तकरीबन 30% जिहड़ा पैसे पिछली एक साल तो लेबर ते आड़ दे विच रख के बैठी आ, वह भी इहदा साडा मेन मुद्दा आ। अज वी एफ सी आई जिहड़ी आ असीं पूरे पंजाब दे विच उहदा आउण वाले समय च बाइकआउट करांगे जे आड़तियां दे पैसे ना दित्ते। सो साडा अज जो मकसद मेन रोस हैगा आ उहदे विच अज साडा फैसला होणा, उत्ते साडी लीडरशिप ने फैसला करना, साडे जिहड़ा आवाम जिहड़ा उत्थे चला महापंचायत दे विच साडा जन जन पूरे पंजाब दे विचों चला आ वो अज उत्थे एक फैसला लेगा। अगर मोदी सरकार का इसे तरह अड़िया रवैया रहा उत्थे जो फैसला होएगा, अगर सानू आने वाले समय के अनिश्चित काल मंडियां भी बंद कर दियां पईआं तां असी जिहड़ा प्रोक्योरमेंट का कणक दे सीजन की जिहड़ी आ खरीदो फरोख्त का बाइकआउट भी करांगे जे मोदी सरकार ये काले कानून और जो ये नजायज़ शर्तां लाईआं नूं वापस नहीं लैंदी। फगवाड़े तों यश शर्मा दी रिपोर्ट। दुख से ना घबराओ, मुझे फोन लगाओ। बाबा नवेद खान जी, MBA करने के बाद मैंने नौकरी के लिए बहुत से धक्के खाए पर मुझे कोई भी सलूशन नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे बाबा जी के बारे में बताया और देखो बाबा जी का ऐसा चमत्कार कि आज मुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद का अपना बिजनेस कर रहा हूँ। धन्यवाद बाबा जी। काले इलम द्वारा कुछ ही घंटों में समाधान गारंटी के साथ हर इलम के माहिर। मैं अपने लव मैरिज को लेकर बहुत परेशान थी, करूँ तो क्या करूँ। फिर किसी ने मुझे बाबा जी के बारे में बताया, मैं बाबा जी के दरबार में गई। बाबा जी ने तो कुछ ही घंटों में मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया और मेरी लव मैरिज वहाँ पक्की होगी, यहाँ मैं चाहती थी। धन्यवाद बाबा जी। जैसे नौकरी, कारोबार, विदेश यात्रा, गृह क्लेश, लव मैरिज में समस्या, सौतन या दुश्मन का सर्वनाश करवाएं। मेरा हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। मेरी बीवी सोचती थी कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन बाबा जी के दरबार पहुंचा तो बाबा जी ने मुझे एक छोटा सा उपाय बताया, उससे मेरी जिंदगी खुशहाल रहने लगी। धन्यवाद बाबा जी। आज ही मिले बाबा नवेद खान जी, मोबाइल नंबर 9876800768 लुधियाना।